लिपिबद्ध किया है उसको पढ़ें, या वरना आज कोई भी किसी का अगर मंच पे रिगार्डिंग क्वेश्चन हो विज्ञान के रिगार्डिंग, कि आध्यात्मिक विज्ञान क्यों है, अध्यात्म को विज्ञान की संज्ञा क्यों दी गई है, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि इस अध्यात्म को विज्ञान के साथ क्यों जोड़ा गया, इस अध्यात्म को और किसी के साथ भी तो जोड़ा जा सकता था। तो मैं चाहूंगा कि सारे गुरु बहन भाई जिसकी जो भी सोच है, जो भी उनका विचार है, वो मंच पे रखे कि अध्यात्म और विज्ञान को क्यों एक साथ लाया गया, या इनका लाने का मतलब क्या उससे वो समझते हैं, इसका क्या मूल है। तो कोई भी गुरु बहन भाई आके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हैंड रेस करें अगर उन्हें पता है कि अध्यात्म और विज्ञान, तो अध्यात्म को विज्ञान के साथ क्यों जोड़ा गया। वैसे गुरुदेव ने अपने कथन में कहा है कि जो हमारा विज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, तो साइंस इज नॉट गॉड, गॉड इज साइंस। कोई भी गुरु बहन भाई अपना इस पे विचार रखना चाहे तो उनका स्वागत है। जो नए गुरु बहन भाई हैं या पुराने गुरु बहन भाई हैं, जो भी हैं, अगर नहीं है, अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको भी पता है या जो भी जिनको भी नॉलेज है या जो बताना चाहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय पे अपना जो भी उनकी सोच है, जो भी उनका मानना है, उसको बताएं। अन्यथा मैं गुरुदेव का लिंक आया है ग्रुप में, उसको खोल के जो गुरुदेव की बातें, जो गुरुदेव ने अपनी पुस्तक या जिनको लिपिबद्ध किया है, उसको पढ़ेंगे हम, और गुरु चर्चा और गुरु सियाग का बताया हुआ मार्ग आगे बढ़ाएंगे। मैं वो लिंक ओपन कर रहा हूँ, गुरुदेव की दिव्य लेखनी, गुरुदेव की दिव्य लेखनी, गुरुदेव सियाग द्वारा लिखित सभी दिव्य लेख पाठ। पहला, आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों? जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह संसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। जब प्राणी उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उससे आध्यात्मिक जागृता अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। पर इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पथ से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे विभिन्न लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विश्वास हो जाता है। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोग के दिल में धर्म के प्रति गिलानी पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय में इन शब्दों में किया है, यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भर्व भारत।
सॉरी मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। जो भी गुरु बहन भाई श्लोक को कंप्लीट करना चाहता है वो करे, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ग्रामेटिकल एरर से संस्कृत को पढूं। ये गुरुदेव का श्लोक है, ये सबसे प्रचलित श्लोक है, चौथा अध्याय 4.7, वो 7 और 4.8 वाला जो गुरु गीता का श्लोक है, तो मैं आगे पढ़ता हूँ। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर का अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ 1993 से 1994 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म का ध्वज फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में समक्ष होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सतगुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से ही होकर जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड शरीर में है। किसी ने हैंड्रिस किया है। जी गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। इसमें एक मैं जो बोल रहा था कि यहाँ पे भगवान श्री श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो यहाँ पे ये भगवान बोल रहे हैं कि हे भरत वंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। और भगवान दूसरे श्लोक में चौथे अध्याय में आठवें श्लोक में बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु भाई, आप आए और आपने श्लोक को पूरा किया। मैं माफी चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरी मेरे को डिफिकल्टी हो रही थी, पर धन्यवाद गुरु भाई, आप आए और गुरु चर्चा में आपने सहयोग दिया। जय गुरुदेव। तो जहाँ पुष वापस से शुरू, तो ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य ईश्वरीय धाम का रास्ता मनुष्य शरीर से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में यानी शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया जिस पर चलकर उस परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। एक माह के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम सहयोगी है। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है।
ऐसा चेतन संत सतगुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूल धारा से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर 6 चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती। अगर किसी प्रकार जीव उठता पटता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उसे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारों पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसी शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था, आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे पर पहले व्यक्ति हैं, आप एकमात्र भारतीय हैं जो वायसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए, अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूँ तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन की कमाई एक गंदा राजनीतिक का धंधा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे धंधे को लेकर अपने आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया, इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे ही व्यक्ति की अनुभूति से सभी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित आध्यात्मवादी राजनीतिक की धुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार सभी गंदे धंधे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। यह गंदा धंधा किसी भी स्थान पर रहता है और उसके क्या गुण धर्म है सर्वविदित कहने की आवश्यकता नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता अध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसे निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं कि इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सतगुरु जी को सभी मायावी शक्तियों को पराजित करने अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका होता है संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। 6 चक्र यानी आगे चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सतगुरु की कृपा के पार करना असंभव है। संत सतगुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्य से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध खड़ी होती है। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सतगुरु की शरण में चला जाता है, अनायास होता ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेदकर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से जो ही आज्ञा चक्र को भेदकर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवगमन से छुटकारा मिल जाता है।
मेरा एक प्रश्न है, अगर मुझे कोई ये एक शब्द का मतलब समझा दे। ये है करबद्ध। करबद्ध का अर्थ अगर किसी को आता है तो मैं चाहूंगा वो बताए, सेशन के बाद भी अगर बताना चाहे तो वो बता सकते हैं गुरु भाई, जिसको भी इस शब्द होता का अर्थ। है हाथ जी गुरु जोड़कर, बहन। ओके, करबद्ध हाथ माने जोड़। हाथ। धन्यवाद गुरु बहन, धन्यवाद धन्यवाद। करबद्ध, ठीक है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरु की शरण में जाने से ही मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्य अवश्य भावी भावी है, असंभव भावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ उठ कर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार की उठा पटक का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सदगुरु की शरण में नहीं चला जाता। ऐसे कृपालु संत सदगुरु पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा मानो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय गुरुदेव। जो पहला जो भी जो चैप्टर था या जो भी इसका पार्ट था वो मैंने आज यहाँ पढ़ा है, तो मैं यही चाहूंगा कि आज जो भी ये पहल की और ये काफी बहुत अच्छा सत्संग में गुरुदेव का ही हमने लिखी हुई लेखनी पढ़ी जिससे बहुत ही अच्छा आनंद और ज्ञान में, तो ये बहुत अच्छी पहल है कि हमें गुरुदेव की वीडियोस चलानी चाहिए या वीडियोस के बाद में जो भी गुरुदेव की लेखनी है जो मंच संचालक कर रहे हैं उनको वो पढ़नी चाहिए। जिससे क्या है, एक्चुअली मैं भी बताऊं कि मेरे पास ये मटेरियल पहले था नहीं, और अगर रहा भी होगा पीडीएफ में तो मैंने उसको कभी ऑल्दो पढ़ा या फिर कंटिन्यू नहीं करा। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारे गुरुदेव ने लिखा किसके लिए लिखा, हमारे लिए लिखा। तो वो बात भी सही है कि गुरुदेव अपनी स्पीचेज में बताते हैं, पर जो इसमें लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा है। मतलब जो गुरुदेव बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, बट जो इसमें लिखा हुआ है उससे हमें और ज्ञान मिलता है। तो ये काफी अच्छी पहल है कि गुरुदेव की जितनी भी लेखनी है हमें सबको पढ़नी चाहिए, और अगर पढ़ेंगे नहीं तो इस मंच के माध्यम से हम उसको सुनेंगे, तो इससे हमें और भी ज्ञान मिलेगा कि गुरुदेव ने किताबों में कितना मतलब कंप्लीट और डेप्थ में जाके चीजों को लिखा है, और वो लिखा हमारे लिए ही है। तो मैं चाहूंगा कोई भी गुरु बहन भाई इस चर्चा में अपना योगदान दे और इस चर्चा को आगे बढ़ाए। सभी गुरु बहन भाइयों का स्वागत है, मंच आप सभी का है। पूरी गुरु बहन भाई जो भी नया जुड़ा है, जी दो हैंड रेज हैं, तीन हो गए। मनोज कुमार जी मैं आपको बुलाता हूँ, सॉरी जितेंद्र मीणा जी ने दो बार हैंड रेज कराया, वैसे तो क्रांति चौधरी जी ने भी तीन बार है। तो मैं चाहता हूँ कि क्रांति चौधरी जी आप आइए गुरु बहन, और मैं जितेंद्र मीणा जी को मनोज कुमार जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वो भी मंच पर आए और अपनी बात साझा करें। क्रांति चौधरी गुरु बहन। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है बहन? आवाज गुरु बहन आवाज। जी गुरु बहन। हाँ जी, तो अभी आप जो पढ़ रहे थे ना गुरुदेव की जो लेखनी आप पढ़ रहे थे ना अभी, उसमें एक शब्द आ रहा था घोंगा, वो आप उसको शब्द गंदा पढ़ रहे थे, राजनीतिक घोंगा, घोंगा शब्द आ रहा था ना। हाँ गोंगा, सॉरी गुरु बहन जी, मैं वो मुझे पढ़ने में, क्योंकि मैंने वर्ड सुना मैं उसको धंधा गोंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो शब्द क्या है, माफी चाहता हूँ अगर कोई गलती हुई हो। नहीं गलती नहीं है, तो मैंने पहले मतलब पढ़ रखा था गुरुदेव की लेखनी एक बार बहुत पहले, तो वो घोंगा था, तो बस थोड़ा सा मैं उसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। घोंगा शरीर, गुरुदेव ने घोंगा क्यों बोला है अपने को, मतलब मनुष्य के घोंगे में रह जाता है, जैसे घोंगा होता है ना तो उसका जो शरीर होता है वो डेलिकेट होता है बॉडी उसकी, और जो इसको अपने इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं, स्नेल जो एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है ना, हाँ, तो वो क्या होता है कि उसका जो बॉडी होता है। गुरु बहन आपकी आवाज कट रही है। गुरु बहन आपकी आवाज कट रही है।
आ रही है बट कट कट के आ रही है गुरु बहन, काफी मतलब फ्लक्चुएट आपकी आवाज कट रही है काफी। चलिए गुरु बहन की मैं आवाज नहीं आ रही। जय गुरुदेव। गुरु बहन बोलिए। हाँ बस मैं वही बताना चाह रही थी कि आवाज कट रही है क्या? हाँ गुरु मैन वो कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा। चलिए फिर आप किसी और को ले लीजिए, फिर और किसी को ले लो फिर आप। नहीं अब आ रही है गुरु मैन, बोलिए बोलिए बोलिए, अब कनेक्ट हो पा रही है। मैं वही बोल रही थी कि गुरुदेव ने उसको अपने को घोंगा क्यों बोला है? घोंगा क्योंकि जो स्मेल होता है ना, उसकी बॉडी बहुत डेलिकेट होती है और उसको एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है, उसकी जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है, बहुत ही घुमावदार होती है ना। तो अपन जो मनुष्य होते हैं ना, वो अपन पूरा जीवन जो है ना, अपने जो कवरिंग है ना, अपने कर्मों की मानो या किसी की भी, बहुत ही वो तक मतलब बहुत हार्ड है वो कवरिंग और घुमावदार भी है। तो गुरुदेव की कृपा के बिना वो कवरिंग जो वो टूटती नहीं है और अपन लोग उससे फ्री नहीं हो पाते हैं, बस गुरुदेव इसलिए घोंगा बोल रहे हैं। जी गुरु बहन बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यही गुरु चर्चा का और का मतलब सुंदरता है कि हम इस माध्यम से जो भी अगर मैंने जो भी मेरी मिस्टेक रही वो किसी भी मेरे गुरु बहन ने या गुरु भाई आके इसको कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद गुरु बहन। वैसे है तो गुरु का कार्य, तो हमें गुरु को ही धन्यवाद देना चाहिए। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। आपने इस वर्ड का अर्थ भी समझाया। एक्चुअली मुझे तो वो वर्ड भी मैंने आज पहली बार ही देखा था कि घोंगा शब्द। जी जितेंद्र मीना जी ने 2 बार हैंड रेज करा है। जी गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई कल मैं कल की एक अनुभूति है मैं सबके सामने साझा करना चाहता हूँ। जय गुरु भाई। जय गुरुदेव सर। थोड़ी सी क्या है नेटवर्क समस्या है, अगर आवाज नहीं आए तो बता दीजिएगा सर। जी गुरु भाई। गुरु भाई क्या है, अभी हमारे गुरुदेव की कृपा से प्रसार कार्य चल रहा है बहुत तेजी से स्कूलों में। रामलाल जी गुरु भाई के साथ हम जाते हैं, सारी टीम है हमारी। तो कल की बात है, मतलब एक अनुभव हुआ था मुझे, मैं ध्यान कर रहा था आज से 1.5 साल पहले की बात। जी गुरु भाई आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। क्या है थोड़ी सी नेटवर्क की समस्या से हो रही होगी? नहीं आप भाई अब आ रही है। जी कंटिन्यू करिए प्लीज। अब आ रही है जी। हाँ तो जी। कल क्या है, हम हमारी टीम थी तो हम वहाँ से होके गुजरे ना, तो मैं तो उस दुकान को जानता भी नहीं था। बात है महावीर नगर की, हम महावीर नगर से रंगबाड़ी की तरफ जा रहे थे एक स्कूल में प्रचार कार्य के लिए। तो वहाँ से जैसे गुजरे तो रामलाल जी भाई साहब ने बोला कि चलो नाश्ता कर लेते हैं, टाइम काफ़ी हो गया था, 2-3 प्रोग्राम हम पहले से कर चुके थे मतलब। तो थोड़ा सा उन्होंने कहा हम ठीक है वहाँ पे चले गए दुकान के सामने, तो हमने वहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह किया। तो जो वो दृश्य था ना उस टाइम पे, जो हमने वो उस दुकान पे मैं पहले कभी गया भी नहीं था, और वो दुकान है ना मतलब ऐसे अंदर थी, बहुत अंदर महावीर नगर में से मेन बाजार में भी नहीं थी। तो वो सेम जो दृश्य था मतलब वो मुझे पहले 1-1.5 साल पहले दिख चुका था, मतलब जैसे वो होती ना मतलब दृश्य दिखाई देता है अपन को, एकदम साफ छवि नहीं थी पर बाकी जो हुआ ना वो सब कुछ मुझे पहले से दिख चुका था। जबकि ना तो मैं रामलाल जी गुरु भाई को जानता था पहले ना, ऐसी कोई ना तो उस दुकान को मैंने उससे पहले कभी देखा था। जब ये बात मैंने रामलाल जी गुरु भाई को बताया ना तो वो भी हंसने लग गए। ये कुछ अनुभूति थी कल की। बहुत ही सुंदर गुरु भाई। आज जैसे गुरुदेव ने कहा है कि प्रातिप ज्ञान की संज्ञा दी है कि ऐसा गुरु भाइयों को होता है और वो गुरुदेव की कृपा से, और आज भी गुरुदेव ने अपनी जो वीडियो आज गुरुदेव की रिलीज हुई है, गुरुदेव का जो इंटरव्यू आया है उसमें भी गुरुदेव ने आखिरी के जो मिनट थे उनमें गुरुदेव ने कहा है कि वो ईश्वर का बेटा आएगा, वो आपको मतलब पास्ट और फ्यूचर दिखाएगा, अनलिमिटेड पास्ट एंड फ्यूचर, और दिखाएगा भी सुनाएगा भी। तो आज ही आपकी वो अनुभूति सामने आ गई कि गुरुदेव ने आपको आज से 1.5 साल पहले ही दिखा दिया था। अति सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर जी।
जी गुरु भाई, जबकि मैं तो उस टाइम पे रामलाल जी गुरु भाई को मतलब इतना नहीं जानता था, देख तो रखा था मैंने वीडियो में, और बाकी ऐसा ये थोड़ा ना पता था हम साथ में मतलब प्रचार कार्य के लिए जाएंगे गुरुदेव के। सुंदर, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत ही मतलब देखिए ना गुरुदेव की कृपा की, गुरुदेव ने जो जो वाक्य बोला है तो इससे यही पता चलता है इस मंच का क्या मतलब मूल्य, इससे यही होता है गुरु भाई कि हमारे गुरुदेव ने जो भी शब्द बोले हैं, वो कहते हैं समझे नहीं समझे, तो वो यही कहते हैं कि समझो कि मैंने जो भी कहा है वो ऐसे ही नहीं कहा है, क्योंकि वो पर ब्रह्म के शब्द हैं। हम तो कह जाते हैं जैसे कभी किसी को है, मुझे भी डाउट हुआ था एक बार, तब मैं स्टार्टिंग में था कि गुरुदेव ने कहा था 2010 या 11 में एक विश्व युद्ध होगा, ठीक है, फिर मैंने कहा यार गुरुदेव ने तो कहा था, तो वो मैं अब समझता हूँ कि गुरुदेव ने कहा पर उसको टाला भी तो गुरुदेव ने ही है, अगर उन्होंने कहा तो वो होता और वो गुरुदेव की शक्ति से ही खत्म हुआ है, क्योंकि तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो वो कृष्ण की कृपा से, उस ईश्वर की कृपा से ही उस पूरे ब्रह्मांड या पूरे पृथ्वी पे जो प्रलय आने वाली थी रोकी। तो अब मुझे समझ में आता है कि गुरुदेव ने जो भी कहा है या जो भी वो कह गए तो उन्होंने हमें कितनी बड़ी हानि से बचाया। तो अति सुंदर जी गुरु भाई, गुरु बहुत ही की अनुभूति थी, सुन के आनंद आया। जी बाकी मैं ओम जी प्रकाश गुरु जी गुरु भाई जिन्होंने हैंडरेज किया था, और बताना चाहेंगे गुरु भाई कुछ, मनोज कुमार जी गुरु भाई, सॉरी मनोज कुमार जी गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है, जय गुरुदेव। गुरुदेव जी, मेरा आवाज आ रहा है? आवाज हाँ गुरु भाई, आपकी आवाज आ आ रही है। रहा आप है? जी गुरु ऐसा भाई, है कि ट्विटर में बहुत मजा आता है, ट्विटर गुरु भाई में आप ग्रुप पत्र में, ऐसा बोल रहा हूँ आज के मेरे को क्या है, मैसेंजर में एक गुरु भाई आए मुंबई का, वो बोले कि अनुरोध है कैमरा भी अगर आप ऑन कर सकते हैं सुविधा हो तो, वरना आपका नहीं, कैमरा आज ऑन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बराबर नहीं है, इसलिए ठीक है। वो बोले एड्स के लिए क्या दवाई क्या मंत्र है। मैं उनको बोला भाई सब मंत्र है, गुरुदेव का मंत्र इंग्लिश में ही नहीं, मंत्र तो ऐसा है गुरुदेव का जो मेन जो है वो हिंदी में इंग्लिश में मेरे पास रेडी है, ओ भेजिया और भेजिया। मैं बोला मैं ज्यादा करके इंग्लिश लिखता हूँ, हिंदी तो बहुत कम है, हिंदी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इफ यू वॉन्ट नो मोर अवर गुरुदेव जी, हमेशा मैं गुरुदेव जी लगाता हूँ, ऐसा कभी कभी लिख देता हूँ, जो सेंड यूर मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर। फिर 2 घंटे के बाद उनका मोबाइल नंबर आया, मैं डायरेक्ट बात किया क्योंकि मेरे को ये चैटिंग करने का डर था, कैसे हो क्या हो, ऐसे में बहुत टाइम जाता है बात करने में, अच्छा है। मैं इंडिया का बाहर को भी मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश में, हाय हो करके बात करता हूँ, उसी हिसाब से वो आज उनको जो माइक्रोसॉफ्ट का लिंक दिया और गुरु मंत्र अलग से दिया उनका व्हाट्सएप में सब कुछ किया। फिर मैं बोला कुछ होगा तो मेरे को फोन करना, और मैं 5 बजे उनका टाइम दिया था, फिर 5:30 बजे गया, नहीं नहीं मैं बॉम्बे भी रहता हूँ, नासिक का हूँ, कल कुछ पितृ श्राद्ध है इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं ठीक है, आप जब भी आओगे तभी मैं जुड़ूंगा, फिर मैं आपको बोलूंगा भाई, आप बोलो बोल के। उनका ये एक था कि मेरा पहला जो गुरु है उनका दिया हुआ ताबीज है, उसका क्या करो। मैं बोल दिया भाई ताबीज तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आप निकाले नहीं तो निकालने तो अच्छा है, नहीं निकालेगा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ऐसा उनको समझाया। और आपको जो भी उनका समाधान है आके उसमें माइक्रोसॉफ्ट में पूछना, मगर बराबर पूछना, उसी हिसाब से उनको बोला। तो उनको अगर फोन करके क्या बोलना, ताबीज रहने दो निकालो या ऐसा क्या क्या बोलना पड़ेगा। मेरा हिसाब से जो मेरे मैं पहले गुरु दीक्षा लिया था ना, तभी मैं एक रुद्र का पहना था, वो निकालने के बोला मैं निकाल दिया। उस टाइम से अभी गुरुदेव दादा गुरुदेव पर जो लक्षण वही पहना हूँ 2 साल के बाद, उसके बीच में कुछ नहीं पहना। तो उनको क्या बोलने का, ताबीज निकाल दो बोलने का या ताबीज ऑटोमेटिक। मैं कितना गुरु भाई गुरु बहन का एक्सपीरियंस सुना हूँ, उसमें वो लोग बोलते नहीं नहीं ठीक है, एक बात है, हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं ना, वो काम का रिलेटेड जो है ना, वो रिलेटेड चीज का रहेगा तो अच्छा रहेगा,
उसका अपोजिट का कोई भी चीज होगा ना वो नहीं रखना चाहिए, फिर भी उनको मैं मेरा हिसाब से बोल दिया वो आज नहीं जुड़ेंगे, बम्बई से नासिक जा रहे हैं, फिर शायद कल परसों जुड़ेंगे, उनका नाम मैं भी बोलता हूँ, आप बोले उसके लिए क्या क्या बोलने का उनको? हाँ गुरु भाई, उनको सिर्फ आप इतना बोलिए कि गुरुदेव का ही मंत्र का नाम जाप करें। गुरुदेव ने भी अपने स्पीच में कहा है कि मेरा मंत्र चलने दो, बाकी आप जिस भी देवी देवता है जिसको भी मानते हैं मानिए, कोई वो नहीं है। और गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि ताबीज है तो निकाल के फेंक दो, ये गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कहा है। अगर आपने कहीं पे भी ताबीज, क्योंकि गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि इस भगवान को छोड़ो उस भगवान को छोड़ो, पर गुरुदेव ने अपनी स्पीच में स्पष्ट कहा अगर आपके ताबीज है, गुरुदेव ने और किसी भी लॉकेट या किसी भी नेक्स्ट या किसी भी थर्ड चीज को गुरुदेव ने पॉइंट आउट नहीं करा, पर गुरुदेव ने एक चीज को स्पष्ट कहा, अगर आपने ताबीज पहना है तो उस ताबीज को निकाल दो। तो मेरा ये मानना है कि आप उनको डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ आप अपना ताबीज निकाल दीजिए, सघन मंत्र जप करिए। फिर इसमें दूसरी बात ये भी आ जाती है कि यार ये कैसे मेरे को मेरे गुरु से दूर कर रहा है और क्यों अपने वाली थोप रहा है। बट मैं, मेरी जहां तक समझ है, मैं यही कहूंगा कि जो गुरुदेव का आदेश है वो भी सर्वप्रथम है, और गुरुदेव ने वो आदेश सबको दिया है, तो हमें भी कोई लाग लपेट ना करते हुए गुरुदेव की बात को स्पष्ट रखना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हमारे स्पष्टवादी थे तो हम उनके बच्चे हैं। तो मैं चाहूंगा और भी कोई गुरु बहन भाई अगर गुरु भाई के प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो कृपया कर आके उनका बताई। नाम है, उनका फेसबुक का नाम है पेर केस बोल के लिखा है, और थोड़ा एस्ट्रोलॉजर कुछ बोल रहे थे, मैं उनको वापस में मेरा हिसाब से समझा दूंगा, इधर का लिंक दे दिया है और लिंक में वो क्या नाम लिखेंगे मालूम नहीं है, उसी हिसाब से उनको हैंडल कर देना, मैं आ पाऊंगा नहीं पाऊंगा कुछ गारंटी नहीं है। और क्या होता है, नहीं नहीं और जो गुरुदेव तो बोले, और मैं कितना को देखा हूँ भाई ताबीज पहना है, गुरुदेव भी बोले कि जो भी कुछ ताबीज वाबीज पहना है वो ड्राम में फेंको फिर बेचो, बोले ओ जोधपुर आश्रम में, मैं अभी वीडियो सुना है बहुत, वो वीडियो सब बात में देंगे, मगर हमको जो बोलना है वो तो फंडामेंटल बराबर बोलना पड़ेगा ना भाई, ऐसा ऐसा है ऐसा से करेगा तो जल्दी पार पड़ेगा, उनको भी ऐसा बोला भाई अंदर अंदर बोलने का, तो वो भी बोले कि अंदर अंदर बोलना, वो थोड़ा इल लाइन का है, और शायद आज गे नासिक कल पहुंचेंगे और दो तीन दिन के बाद जो जुड़ेंगे शायद, उनका ये प्रश्न होगा तो जो होस्ट होगा उसी को समझ गए। और एक बात बोलता हूँ, इसमें किसी को सार मैडम नहीं बोलने का, सब गुरु भाई गुरु बहन है, आप लोग को क्या है, आप लोग आपको ठीक है दूसरा गुरु बहन गुरु भाई बोलता है उसको सार सार बोलता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, आपको जो अच्छा लगता है बोलिए, सार बोलने से क्या होता है, हम उसको ऊंचा लेवल में पहुंचाते है, उसको ईगो आ जाएगा, फिर वो गिरेगा उसको मालूम पड़ेगा ना, इसमें भी हमारा भी रोल होता है, इसमें कोई सार मैडम नहीं है, सब एक ही है, जो भी मंथ में है कभी भी अगर उसको सार मैडम बोलेगा ना कोई भी, उसको बोला भाई सार मत बोलो, गुरु भाई गुरु बहन बोलो, वो अच्छा लगता है मेरा हिसाब से, मैं भी ये सेशन में दो तीन बार बोल चुका हूँ, इसमें सार मैडम कोई नहीं है। देखिए और एक बात बोलता हूँ, किधर भी प्रोग्राम होगा हम किसको सार सार बोलेंगे तो वो आराम से बैठेगा भाई, गुरुदेव का प्रोग्राम में तो आराम से काम करो ना, जितना हो सके उतना सार सार बोलेंगे तो उसको ऐसा मेरा हिसाब से नहीं है, गुरुदेव भी खुद ही पूरा रिक्शे का आगे बैठ जाते थे और पैदल भी जाते थे, ठीक है, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। मनोज कुमार गुरु भाई, गुरुदेव का परिवार है, गुरुदेव हमारे माता है, हमारे पिता है, हमारे लिए हमारे सब कुछ है, हमारे मतलब जो भी हम उनको कह सकते हैं, तो गुरु परिवार है, तो गुरु परिवार में तो सर मैडम का कोई वो ही नहीं है, बाकी सब भाई हैं और सब हमारी बहनें हैं, तो ये गुरु परिवार है, तो जितनी भी ये हमारी बहनें हैं और जितने भी हमारे भाई हैं तो वो तो गुरु बहन भाई ही संबोधित करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं। तो जी जैसे मनोज कुमार तो शाह गुरु भाई ने बोला कि क्या बोलना चाहिए, जो स्पष्ट है, जैसे गुरुदेव ने कहा कि जो दो एक दो बोतल दारू पीता है वो दो बोतल दारू पी है, तो हमें भी जो भी होना चाहिए जो गुरुदेव बोले, क्योंकि गुरुदेव के पीछे कुछ बहुत बड़ा विज्ञान,
या बहुत बड़ी बात रही होगी तभी गुरुदेव ने अपने एक एक शब्द को दुनिया के सामने रखा है। तो तब गुरुदेव ने कहा कि ताबीज नहीं पहनना तो हमें भी हमारे जितने भी नए लोग होते हैं और अगर वो हमसे पूछे तो हमें बताना चाहिए। जैसे मैं मेरा अनुभव बताता हूँ, मैं गले में एक लॉकेट पहनता था माता जी का, तो वो मैंने काफी सालों से पहन रखा था। तो मैं गुरुदेव से जुड़ा, वो लॉकेट नहीं खुलवाया गुरुदेव ने। फिर जैसे जैसे मेरी साधना बढ़ती गई और जब मैं गुरुदेव के प्रति सरेंडर होने लगा या समर्पण गुरुदेव अपना सॉरी करवाने लगे मुझसे, मैं तो नहीं हुआ, उन्होंने करवाया, तो मन में से एक बात आई कि ये शक्ति तो मेरे रीढ़ की हड्डी में या वो नीचे बैठी है जिस शक्ति को मैंने गले में धारण करा है, तो ये बाहरी वो नहीं है, सब अंदर से मिलेगा। तो उसी दिन मैंने उस लॉकेट को निकाल के और रख दिया। काफी जने नाराज हुए बट हाँ ये बात सत्य है जी। तृप्ति श्रृंगी गुरु बहन आपका स्वागत है, आप कुछ कहना चाहती हैं जी? गुरु बहन जय गुरुदेव, सॉरी गलती से हो गया था वो वीडियो। जय गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं गुरु बहन, आइए मंच पे, आपका स्वागत है गुरु बहन, आपको जो भी अनुभूति रखनी हो या तुकाराम जी प्लीज गुरु भाई आपका स्वागत है। डिस्टर्ब कर रहा हूँ ये, मैं बुले बुला था गुरुदेव, गुरु में अपना तो सेशन शुरू होता है ना, उसमें आप थोड़ा गुरुदेव के बारे में बोलो जी। गुरु भाई जी, गुरु गुरुदेव के बारे में संक्षिप्त बोलो भाई, हमारा रामलाल जिसका ऐसा है ऐसा है, उनके बारे में थोड़ा बोलो और पूरा थोड़ा बताओ। कोई भी मैं किसको भी लिंक दे देता हूँ, अगर नया आएगा उसको पहले मालूम नहीं है बात, वो बीच में आपको पूछेगा किसको हैंड रेजिंग करना भी आता नहीं है, कितना कमेंट दे दिया हूँ ये लिंक का वीडियो मेरे पास है, कितना 100 लोग का दे दिया, वो लोग बोलते हैंड रेजिंग करना आता नहीं है, वो लोग बोला खाली सुन लो अभी कभी भी आप बता दीजिए आप उनको सेशन का बता देना जी। तुकाराम जी गुरु भाई आपका स्वागत है, जय गुरु। हाँ, तो अब मनोज गुरु भाई ने जो बताया है कि गुरुदेव ने अपने प्रवचन में अगदी स्पष्ट कहा है, कोई भी बाहर की चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं, मंत्र जाप और ध्यान। क्योंकि अगर किसी के तावीज गंडा दौरा कुछ भी हमने बांधा तो वो श्रद्धा जो है डिवाइड हो जाती है। अब जब श्रद्धा डिवाइड हो जाती है तो उसका परिणाम नहीं आता। गुरुदेव जी ने अपने प्रवचन में बोला है कि मंत्र लेने के बाद भी जो लोग असाध्य रोग से पीड़ित थे वो मर गए, क्योंकि मंत्र लेने के बाद भी वो इधर उधर घूमते रहे। तो जिसको परिणाम चाहिए उसकी श्रद्धा एक ही चीज पर चाहिए, और गुरुदेव के मंत्र जाप पर और ध्यान पर, और यह हमें स्पष्ट बताना चाहिए। क्योंकि तकलीफ होने हैं उनकी तकलीफ के लिए वो कर रहे हैं, तो हमें ठीक से कल्पना देनी चाहिए कि ऐसी चीज होती, एक बार हम 10 डॉक्टर की दवाई लेते रहेंगे तो उसका क्या लाभ है, कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर तुकाराम जी, आपने स्पष्ट और बहुत ही कम शब्दों में आपने बात पूरी करी। सही बात है कि जो गुरुदेव ने बताया, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि अगर डाइवर्जन हुआ आपकी भक्ति का या आपकी निष्ठा का तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो भी होता है वो गुरुदेव के प्रति ही होनी चाहिए, वो एक निष्ठा होनी चाहिए। वो एक निष्ठा कैसे होगी, जब हमारा पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, समर्पण तो बहुत दूर की बात है, वो तो गुरु स्वतः और स्वयं करवाते हैं, विश्वास जो कि हम कर सकते हैं वो हमारे पास ही होता है, तो वो हमें हमारे गुरु पे करना चाहिए, क्योंकि हमारा गुरु ही हमें उस आगे समर्पण की यात्रा तक ले जाता है। और कोई गुरु बहन भाई अपना विचार या अपने शब्द रखना चाहेगा इस बात पे, उनका मंच पे स्वागत है, अन्यथा हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए कोई भी नहीं, बाकी जो भी गुरुदेव की चर्चाएं होती है और गुरुदेव का जो ये सेशन होता है, ट्विटर कैंपेन होती है, उसमें बहुत ही आनंद और एक बहुत ही अलग जो कहते हैं ना गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो सेशन से जुड़ने में या सेशन, अब एक सेशन सेशन नहीं रहा, वो एक तरह का मतलब वो होता है कि कब सेशन हो, पूरे दिन में गुरुदेव का मंत्र चलता रहता है, 2 बार ध्यान होता है,
और एक सत्संग होता है। गुरुदेव दर्शन कहना है द रॉन्ग वर्ड, सत्संग होगा जी। कोई बोलना चाह रहा है? हाँ जी, अनिल जी, अनिल जी गुरु भाई ने एड्रेस किया, उनको बुलाइए जी। सॉरी, मैं अनिल जी को, थैंक यू सुनीता गुरु बहन। अनिल गुरु भाई जी प्लीज, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। समझ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज बड़ी गुरु कृपा से बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। परिवर्तन आता है जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। जैसे कि मैं कुछ, जैसे मेरे खुद का परिवर्तन आया, जैसे मैंने गले में रुद्राक्ष पहन रखा था और एक मूंगा पहन रखा था, हाथों में अंगूठी में भी मूंगा पहन रखा था, पर ये साधना करते 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 मात्र 3 महीने के अंदर ये सारी चीज ऑटोमेटिक दूर हो गई जी गुरु भाई। प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेरा एक मतलब, जैसे कहते हैं गुरु भाई का ताबीज खोल दो, ये खोल दो, तो मेरा ये कहने का मतलब, अब हम किसी नए आदमी को बताते हैं उधर गुरु के दर्शन के बारे में बताते हैं अपन, तो डायरेक्टली उसे ये तो कह नहीं सकते भाई इस चीज को खोल दे जी, वहां विरोध पैदा हो जाता है, विरोध पैदा हो जाता है। सत्य बात है गुरु भाई। तो ये परिवर्तन तो अंदर से आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरे खुद के अंदर परिवर्तन आया ये कि मेरी सारी चीजें सब छूट गई। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ, जबकि शिव के मंदिर में मैं कभी मतलब हर सोमवार, हर सावन में, हर कुछ जब जब भी कोई शिव का प्रोग्राम होता है मैं पहुंच जाता था। लेकिन वो सब चीज ऑटोमेटिक मेरे से वो मतलब प्रे हो गई, दूर हो गई। उस चीज को मैं जरूरत नहीं पड़ी थी कि मतलब अब कहते हैं उस मंदिर नहीं जाओ, किसी को नए गुरु भाई, एक गुरु भाई मिले, बताया था मैंने उनको ध्यान के बारे में, तो वो मेरे से पूछ रहे इसमें अपन भोलेनाथ की जय बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। तो अब वहां मैं क्या बोल सकता हूँ, आप ये बताओ। बोलिए ना गुरु भाई, जय बोलिए, क्या बोलने गुरु भाई। हम बोलेंगे तो वो ये होगा कि वो ईगो बीच में आ जाती है ना, कि अरे जिसको हम मानते हैं उससे बड़ा, तो वो गुरु भाई बीच में ईगो क्लैश आ जाती है और वो जो जुड़ने वाला व्यक्ति है ना वो भागता है। देखिए पकड़ने तो वाले गुरुदेव हैं, बट वो लेट हो जाएगा, वो डिले हो जाएगा। जुड़ना तो है उसको, तब गुरुदेव जुड़ेंगे अगर उस तक पहुंचे, बट ईगो है कि गुरु भाई अगर स्टार्टिंग में होता कोई मुझे कहता कि तू ये आदिशक्ति की पूजा छोड़ दे जिनको मैं मानता था, मैं मेरी इष्ट जगदम्बा थी तो मैं जगदम्बा का, और मुझे कोई बोलता मैं नहीं जुड़ता गुरु भाई, मेरे में ईगो आ जाती, और वो ईगो बहुत ज्यादा थी, प्रचंड थी। अब तो वो धीरे धीरे कम हो रही है गुरुदेव की कृपा से। बहुत सुंदर बात गुरु भाई, कुछ नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए जय शिव शंकर। बिल्कुल, मगर अपन परिवर्तन आएगा वो ऑटोमेटिक आएगा, मतलब जो साधना में घुसने के बाद में अपन इस साधना को शुरू करेंगे तो वो ऑटोमेटिक परिवर्तन आएगा। गुरुदेव हर चीज से दूर कर देंगे, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। अपन प्रयास करते हैं कि वहां नहीं जाऊं वहां नहीं जाऊं, वो तो गुरुदेव खुद ही उस चीज से हटा देंगे। अब कई मंदिर भी आता है ना सर, गुरु भाई कई मंदिर भी आता है, तो इच्छा नहीं होते क्या सर झुकाऊं? अब ये चीज मैं किसी नए आदमी को बोलता हूँ ना, किसी नए आदमी किसी को जोड़ रहा हूँ और उसकी उसको बोलूंगा तो वो विरोध करेगा इस चीज का। करेगा गुरु भाई, आज हम भी रस्ते में जाते हैं और हमारे कोई बहुत पुराने देवी देवताओं के मंदिर आज भी आते हैं, पूरा घर चीज झुकाता है, मैं नहीं झुकाता, फिर घर वाले विरोध करते हैं, अरे सर झुका। अब गुरु भाई वो इज्जत है तो मैं उसके लिए सर झुका देता हूँ, बट वो अंदर से नहीं होता कि हाँ अकेले जा रहे हैं, चले गए, कभी याद आ गया तो जय गुरुदेव निकलता है, वो सर झुका के भी जय गुरुदेव ही निकलता है। क्यों, गुरुदेव ने स्वयं कहा कोई अनपढ़ है तो उसको बोल दो कि भाई ये तस्वीर तेरे भगवान के यहाँ रख देना और अगरबत्ती कर देना, तो गुरुदेव ने स्वयं बोला है जी। सत्य बात है, पर अपन किसी को अगर पर्टिकुलर नए आदमी को अगर से बोलेंगे तो वो क्या है कि विरोध करेगा इस चीज का, क्योंकि गुरु भाई ये होता है, क्योंकि हर समुदाय और संप्रदाय अपनी बातें थोपता है, बातें थोपने से नहीं होती। आज जो भी बड़े बड़े समुदाय और उनसे हम क्यों नहीं कनेक्ट हो पाया आज तक, क्योंकि उन्होंने अपनी बातें थोपी, तो बातें हमें थोपनी नहीं चाहिए, हमें स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिए कि हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा है, अगर आप ऐसा करोगे तो इट वुड बी बेनिफिशियल, आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो बोलो सदन नाम जब दो बार ध्यान करो सब छूट जाएगा।
ये परिवर्तन ऑटोमेटिक अंदर से आता है, मतलब मैंने ये महसूस किया है मतलब 1.5 साल से, और गुरुदेव खूब प्रचार कराते हैं, मतलब मेरी कोई औकात नहीं मैं कहीं जा सकूं, लेकिन गुरुदेव नीच मतलब का ऐसे ऐसे जगह पहुंचा देते हैं, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इस आदमी को जाके बताना है। जी गुरु भाई, बड़ा आनंद आता है गुरुदेव का प्रचार करने में। जय गुरुदेव। यही कह बहुत ही सुंदर गुरु भाई, आपने अपनी बात रखी। एक और हमसे मंच पे जुड़े हैं, मुझे नाम तो नहीं पढ़ना आ रहा, बट द आईडी VVVBG, मैं उनको आमंत्रित करूंगा मंच पे आए और कृपया कर अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, धनंजय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, जैसे आप ये कह रहे थे ना, जब गुरु जी में विश्वास हो जाता है तो सारी चीजें अपने आप छुड़वा देते हैं। तो मैंने जैसे मई 2020 में दीक्षा ली थी टीवी से, तो शुरू में तो मेरे को 2-3 दिन ये हो रहा संशय भाई इनके तस्वीर में ऐसा क्या है जिससे योग होता हो, और मैं पूजा पाठ में बड़ा विश्वास था मेरा शुरू से ही, शिव जी की पूजा, सामन नहाना और 40-40 दिन के माता के व्रत, बहुत कुछ किया मैंने। हालांकि उनसे भी मुझे कुछ न कुछ मिला, लेकिन गुरुजी मिलने के बाद मैं आपको बताती हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर मेरे मन में एक भी तस्वीर नहीं रही, और अब तक मैं किसी मंदिर में नहीं जाती। अब श्राद्ध चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड दान करके आए पितरों में, मैंने कहा मेरे तो पितर अंदर हैं, मैंने सब छोड़ दिया है गुरुजी पे। गुरुजी पे इतना विश्वास है कि मैं तो अपना सब कुछ नौछावर कर देती हूँ, जो कुछ करना है गुरुजी ने करना है, अच्छा या बुरा, और वो अपने शिष्य के साथ पूरा करेंगे। ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं 7 दिन के अंदर सारी मूर्तियां नहर में प्रवाहित करके आई। ऐसे तो क्या कर था? मैं तो कर रही हूँ, तो ठीक कर रही हूँ बिल्कुल। अब हमारे घर में कोई नहीं मानता, सिर्फ मेरे की मेरे, लेकिन मुझे ये कहती मैं मानो या ना मानो, जब गुरु कृपा होगी जब तुम अवश्य मानोगे। जी भाई, एक है ना आर्य समाजी थे हम, शुरू से मेरी मदर ने हवन करना सिखाया था सुबह उठ के, तो मैं बचपन से ही हवन करती थी, शादी के बाद भी हवन। अब मैं 68 इयर्स की होगी, अब भी मैं हवन करके खाना खाती थी, तो ये मेरी आदत है। गुरु जी ने कहा ना अपने आप मत छोड़ो, जब तुम्हारे मन में आ जाएगा ना अपने आप, तो तब छोड़ो। अब मूर्तियों की तो मेरे अंदर 7 दिन के अंदर ही आ गया था, लेकिन हवन मैंने 6 महीने के बाद छोड़ा। 6 महीने के बाद मेरे दिल ऐसा आया कि इतनी बड़ी साधना मिल रही, अब भी तो हवन के पीछे पड़ी है। जी गुरु बहन, वो आत्मा बोलती है गुरु बहन, और बहुत सुंदर बात है। ऐसा नहीं है हम देवी देवता नहीं, हमारे गुरु सब में है और वो देवी देवता सब गुरु में, तो सर्वप्रथम गुरु और देवी देवता है, तो हम सबका आदर करते हैं। तो गुरु ने कहा ये ज्ञान अंदर से मिलेगा, तो हमें सब प्रकट होने लगता है और हम बाहर से छोड़ते जाते हैं। बस मैं तो सुंदर गुरु बहन, मंदिरों में बिल्कुल मेरी मन ही नहीं करता, अंदर से बिल्कुल मन ही खत्म हो गया, मेरे तो शिवाय और शिवाय गुरुदेव है बस। अब चाहे दुख आए चाहे बीमारी आए, वो जाने उनका काम जाने। हालांकि मेरे घर वाले अब सारे बीमार पड़े हैं, उनकी सेवा भी करी मैंने, ये तो मेरा फर्ज है। अब मेरे को भी वायरल हो गया, कोई बात नहीं, वो तो लग जाता है एक दूसरे से, लेकिन बहुत छोटी चीज। हाँ जी, तो मैं अपना विश्वास की बात बता रही हूँ, विश्वास मेरा पक्का है। देखो एक ना एक दिन गुरु जी समर्पण भी करवा देंगे, पूरा समर्पण तो नहीं हुआ अभी, लेकिन मेरी लगन है। जैसी पहले प्रचार बहुत करती थी मैं, बहुत ज्यादा, अब प्रचार मेरा ढीला हो रहा है। एक तो उम्र के लिहाज से कुछ मैं बस वो करवाई नहीं, गुरु जी ने प्रेरणा थोड़ी बंद कर दी, नहीं तो एक बार तो एक महीना हर वीरवार को गुरु जी ये मन में ला देते थे, आज इनके पास जाना है, आज इसके पास जाना है, गुरु जी मन में बता देते थे भाई आज इनके पास जाना। 500 शनिवार एक महीने में मैं लगातार गई, और शहर में मैंने आधे शहर में तकरीबन गुरु जी के पैंफलेट बांटे हैं, और किसी ने एक दो को छोड़ के किसी ने नहीं कहा अब भाई ये गलत है।
सारे कहने लगे जी भगवान किसी न किसी को तो भेजता है प्रेरणा देने के लिए। मैंने कहा आप कर कई होने तो उसी टाइम वीडियो चला लिए थे अपने यूट्यूब पे। अब आगे तो गुरुजी जाने किसको शामिल किया किसको नहीं, वो तो अपना काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रचार में ढीली हूँ गुरु भाई, आपके उससे मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है। सारे गुरु भाई बहन मेरे बहुत अच्छे है जी गुरु बहन। मैं तो कभी उदास होती हूँ ना, क्रांति बहन से बात कर लेती हूँ और मेरी उदासी कम हो जाती है, या मंत्र जाप कर लेती हूँ गुरु भाई। सबसे बड़ी बात है बच्चे कहेंगे आप टेंशन करते हो, मेरी टेंशन होगी गुरु जी के मंत्र से। अरे रियल बात है, 2-3 घंटे मंत्र जाप कर लूं तो टेंशन अपने आप खत्म हो जाती है। बस इतना ही बताना चाह रही थी मैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। ऐसे सेशन का समय भी हो गया और गुरु बहन ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि गुरुदेव स्वतः ही आपके अंदर से ही सबको छुड़वाते जाते हैं, आपको साधना में आगे बढ़ाते जाते हैं। तो मैं और सेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। धनंजय जी जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।